सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वैकेंसी का अपडेट लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को भाई एंड तक देखना बेटा। आपसे सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन नहीं किया, भाई जरूर से कर देना। क्योंकि क्या होता है कि भाई अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप वहाँ पर डाल देते हो तो मैं जितने भी कमेंट्स होते हैं सभी के कमेंट्स को वहाँ पर पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, ठीक है। और जितना हो सके उतने कमेंट जो है रिप्लाई देने की कोशिश भी करता हूँ। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा कि मुझे वहाँ आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो वहां पे जो है आप मुझे पता चल जाएगी कि भाई आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना। और हो सके तो आप जिस जॉब को भी यहां पे जो है सर्च कर रहे हो उस जॉब को भी वहां पे मेंशन कर देना। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको कैसे डालनी है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने आईटी कर रखा है तो आईटी कौन से ट्रेड के अंदर कर रखा है, ठीक है। अगर आपने बीबीटेक कर रखा है तो कौन से ब्रांच के अंदर कर रखा है, इस तरह से आपको वो ब्रांच और अपनी जो बीबीटेक कर रखा है वो आपको डालना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है दोस्तों। यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन पर जो कि यहाँ पे कम से कम दोस्तों यहाँ पे 100% लोगों के यहाँ पे जो है यही रहती है कि जो है कब ये असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट है वो हमें देखने को मिले। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों का इंतजार रहता है। तो यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है टाटा स्टील की तरफ से, ये वैकेंसीज निकाली गई है, रिलीज की गई है। और आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हो 19 मई के लिए यहाँ पे लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी किया गया है। तो भाई इसी बात के लिए एक वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आपको बहुत ही जल्दी अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कैसे फॉर्म को भरना है ये प्रक्रिया भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे टेलीग्राम को चेक करके ज्वाइन नहीं किया, भाई टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी मेरे टेलीग्राम पे। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे उसका भी आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी होगी मेरे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और घंटी को ऑल पे क्लिक करके रखना ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आए हमारी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बात करेंगे दोस्तों डायरेक्टली यहाँ पर सैलरी के बारे में। तो सैलरी जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, आपको बहुत ही तगड़ी सैलरी आपको देखने को मिल रही है जो कि 30,000 रुपये यहाँ पे पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो है ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो हैं दोस्तों यहाँ पे उड़ीसा के कैंडिडेट और झारखंड के कैंडिडेट, ठीक है। दो ही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर आप उड़ीसा या फिर झारखंड में अंदर बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म के लिए आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। और इसमें आवेदन करने के लिए आपकी एज जो है वो मिनिमम यहाँ पे 18+ ही होनी चाहिए। कोई भी आपका फीस यहाँ पे नहीं जाने वाली, आपको देख सकते हो यहाँ पे आपको कोई शुल्क यहाँ पे नहीं जाने वाला है। ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बहुत अच्छी, जहाँ पे 556+ वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, 556+ वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं, आउट की गई हैं इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन, ठीक है। चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, उससे पहले दोस्तों हम इसकी जो बेसिक डिटेल्स है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे एक नज़र डाल लेते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कैसे फॉर्म को फिलअप करना है ये जानकारी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है, एंड तक देखना है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे कि देख ही पा रहे होंगे कि टाटा स्टील 8 यानी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एस्पायरिंग इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजिशन पर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ पे पोजीशन पे आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग की है, ठीक है, जेईटी की, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की है, इस तरह से यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से वैकेंसीज यहाँ पे निकल कर आती रहती हैं। तो बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बात कर लेंगे इसके शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे पूरी समझ आ जाएगी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है आप इसको यहाँ पे एक नज़र पढ़ लेना, यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। जो पोजीशन आपको देखने मिलेंगी इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन पर आपको यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे आउट की गई हैं, 556+ पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी, फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, लास्ट डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि आप देख ही पा रहे कि टाटा स्टील की तरफ से जो लेटेस्ट वैकेंसी की रिक्रूटमेंट आउट की गई है, ठीक है, एईटी की पोस्ट पर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है, और 556+ यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आप देख पाएंगे, अंतिम तिथि भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पे बनेर की ट्रेनिंग आपको देखने को मिल जाएगी, ऑफिशियली वेबसाइट ये दे रखी है। और अगर आपने यहाँ पे आईटीआई डिप्लोमा वीवीटेक कर रखा है एलिजिबल है, साथ ही साथ यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को भरना है, ये सारा चार्ट वगैरह आप यहाँ पे देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, ठीक है। कंपनी के अबाउट सेक्शन में आप जाकर के पढ़ सकते हो पूरी डिटेल। और जो यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट नेम जो मैंने आपको बताई थी वो पोस्ट
यहाँ पे 556 प्लस यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे निकल कर आ रही है, ठीक है, 556 प्लस पोस्ट यहाँ पे निकल कर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे देख सकते हो नेम ऑफ पोस्ट जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे AET की पोस्ट पोजिशन पर वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है, AET की पोजिशन पर यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है, ठीक है, यानी एस्पायरिंग इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको जो पोस्ट नेम दे रखी है, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए VVTech कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर आपने यहाँ पे BSc कर रखी है, ठीक है, इंजीनियरिंग से, तो इसमें आपकी जो ट्रेड दे रखी है वो देख सकते हो यहाँ पे आपकी सिविल की होनी चाहिए, ठीक है, या फिर आपने यहाँ पे दोस्तों केमिकल के अंदर कर रखा हो, मेटलर्जी के अंदर कर रखा हो, मैकेनिकल के अंदर कर रखा हो, माइनिंग के अंदर कर रखा हो, तो ये बहुत सारी यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे दे रखी हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे ट्रेड को यहाँ पे देख सकते हो, मेंशन कर सकते हो अगर आपके पास ये ट्रेड है, आपके पास ब्रांच है आपके पास, ठीक है, तो आप इसके लिए यहाँ पे फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो 2023 के लिए, ठीक है। ये आपकी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए। बात करेंगे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे जो जो उड़ीसा के कैंडिडेट हैं और यहाँ पे झारखंड के कैंडिडेट हैं वो ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। 31 वर्ष एज होनी चाहिए मैक्सिमम जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो। और यहाँ पे आपको बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट जो मैंने बताया कि 18 से लेकर के और 32 वर्ष के बीच में जो आपकी एज है वो होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो क्वालिफिकेशन अगर आपने यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, या फिर आप फाइनल ईयर में हैं या फिर आप फाइनल ईयर में हैं या फिर आप कर चुके हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको जनरल वालों के लिए 65% CGPA होने चाहिए और SC और ST एंड PWD कैंडिडेट वालों के लिए यहाँ पे देख सकते हो CGPA जो है वो है यहाँ पे 60% होनी चाहिए, ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे जॉब ड्यूरेशन आपको जो देखने को मिलेगी वो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 1 ईयर की देखने को मिलेगी अगर आप कंपनी के अंदर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, आप कंपनी के अंदर अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 ईयर आपको फिक्स और भी कर दिया जाएगा, जो कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर आपको यहाँ पे जो है जो आपका जो पोजीशन है वहाँ पे आपकी बदल दी जाएगी, ठीक है, यानी आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगा बहुत ही अच्छी पोस्ट के लिए अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हो। तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से सैलरी आपको क्या देखने को मिलेगी, तो सैलरी यहाँ पे देख सकते हो, जो सैलरी देखने को आपको मिलेगी वो देखने को मिलेगी यहाँ पे 30,000 रुपये प्रतिमाह देखने को आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको 1 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो उसमें आपको 30,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, 30,000 रुपये प्रतिमाह। एंड यहाँ पे जो बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फॉर जनरल कैंडिडेट एंड OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 0 शुल्क है और SC ST कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे 0 शुल्क रखा गया, कोई भी चार्ज आपको नहीं पे करना होगा, नो फीस है यहाँ पे, कोई भी रिक्वायर्ड फीस की यहाँ पे नहीं है, आप डायरेक्टली कैडेट के पेज पर जाकर फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इनकी देख सकते हो, यहाँ पे 19 मई को यहाँ पे रिलीज किया गया ऑफिशियली नोटिफिकेशन, लास्ट डेट इसकी 11/6/2023 है, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, तो 11/6/2023 से पहले पहले आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे हाउ टू अप्लाई की, तो कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे डिटेल बाय डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले तो आपको आ जाना है गूगल पर, और गूगल पर आओगे, गूगल पर आने के बाद ये देखिएगा आपको यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन, ठीक है, इस सर्च बार के ऑप्शन पे आपको जो है यहाँ पे जो है टाइप करना होगा, ठीक है, क्या टाइप करना है यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन जॉब तक, जो कि आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया ऑनलाइन जॉब तक। ऑनलाइन जॉब तक टाइप करने के बाद जैसे सर्च करोगे दोस्तों, सर्च करने के बाद आप देखोगे कि आपको फर्स्ट टैब पर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आपको इस वाले पोर्टल पे आपको आ जाना है, इस वाले पोर्टल पे आने का बेनिफिट क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आने का बेनिफिट ये है कि आपको एक तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको अप्लाई का लिंक मिल जाता है, प्लस यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स देखने को मिल जाती है, ठीक है, पूरी आप डिटेल यहाँ पे आप पढ़ सकते हो और देख सकते हो, ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, और भी यहाँ पे कई सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको फर्स्ट स्टेप पर यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है, एंड क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो कि मैंने आपको बताई थी डिटेल्स, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है, एंड यहाँ पे डिटेल देखने के बाद आपको नीचे आ जाना है, और नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, डाउनलोड नोटिफिकेशन का है, अदर वैकेंसी डिटेल्स का है। तो मान लीजिए अगर आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन कर जो है देखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है टाटा स्टील का ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, जो कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, साफ साफ आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट फॉर एस्पायरिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम 2023, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको देख सकते हो यहाँ पे, और जो 19 मई के लिए यहाँ पे आर्टिकल जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, सॉरी ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे रिलीज किया गया है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा।
एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन पर आपको यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जो कि यहाँ पे देख सकते हो पोजीशन आपको बताई थी मैंने, वो इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगी। प्रोग्राम डिटेल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो आपकी जॉब की ड्यूरेशन है वो आपको यहाँ पे 1 ईयर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप कंपनी का अच्छा जो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, आपको यहाँ पे आपकी जो सक्सेसफुल ट्रेनिंग हो जाएगी उसके 1 साल के बाद आपको फिक्स कर दिया जाएगा आपको 3 ईयर के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 3 ईयर के लिए आपको फिक्स कर दिया जाएगा असिस्टेंट मैनेजर IL6 पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे सेलेक्टेड फॉर कैंडिडेट जो हैं वो इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे कैसे कौन कौन सी पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और कौन सी यहाँ पे जो ट्रेड होनी चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन के अंदर कौन सी ब्रांच होनी चाहिए वो कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा चार्ट मेंशन किया गया है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे जो जो ब्रांच दिख रही है ना, ये ब्रांच यहाँ पे लिए जाएंगी ऑल ब्रांचेस है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप एक नज़र यहाँ पे डाल देना, ठीक है दोस्तों। ये आप यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अगर आपने यहाँ पे MTech या फिर MSc कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हैं। और ये आपने जो जो कोर है आपकी, यानी जो आपकी कोर्स है, इस कोर्स के अंदर आपने कर रखा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ये आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। एंड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो बात करें तो मैंने आपको बता दिया, जो कि यहाँ पे 3 ईयर आपके पास डिप्लोमा होने चाहिए, चाहे आप कर रहे हो या फिर आप पास आउट हो, ठीक है, तो आप भी आप यहाँ पे इसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो जनरल कैंडिडेट के अगर आप हैं तो इसमें आपको 65% अनिवार्य है, आपकी 65% आपकी जो होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे PWD कैंडिडेट या फिर SC ST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे 60% होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे अनिवार्य है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो एज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एज जो रखी गई है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ईयर होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, SC ST के लिए यहाँ पे 32 ईयर रखी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको डोमिकल स्टेट है वो यहाँ पे झारखंड और यहाँ पे उड़ीसा के कैंडिडेट ही आवेदन कर सकेंगे, जो कि मेंशन किया गया है। यहाँ पे स्टाइपेंड आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ देख सकते हो यहाँ पे 30,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 1 ईयर की अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो, और यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको यहाँ पे 2,50,000 पर एनुअल तक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद जब यहाँ पे आप ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर लेते हो, जब आपकी पोस्ट जब आपकी जो जो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है सक्सेसफुली, उसके बाद जब आपकी जॉब लगेगी 3 ईयर की, उसमें आपको यहाँ पे 7,00,000 रुपये पर एनुअल तक आपको देखने को स्टाइपेंड मिल सकता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो इसकी अदर्स गाइडलाइंस हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो अप्लाई का लिंक है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस तरह से भी आपको यहाँ पे देख सकते हो। वो लास्ट डेट यहाँ पे देख सकते हो 11/6/2023 रखी गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, और टेक्निकल टेस्ट होगा, और यहाँ पे इंटरव्यू के बेस्ड पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इनकी ईमेल आईडी भी दे रखी है, कोई भी कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो आप इनकी ईमेल आईडी पर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के सामने आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करके सामने आपको यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे फॉर्म खुल के ओपन हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम एप्लीकेशन, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना है, देन यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का जो फॉर्म है पूरा खुल के ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जनरल सेलेक्ट कर देना है, एंड जनरल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड या दे सकते हो या फिर पैन कार्ड की डिटेल्स दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन खुल के ओपन हो जाएगा, यहाँ पे अपने आधार कार्ड दे देना। एंड उसके बाद यहाँ दे सकते हो आपका फुल नेम देना होगा, जो स्टार मार्क दे रखे हैं उसको फिलअप करना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फुल नेम आपको देना होगा, फर्स्ट नेम है जैसा कि मिडिल नेम हो गया, ठीक है, या लास्ट नेम हो गया, ठीक है। जेंडर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल कैटेगरी को डालना है, ठीक है। डोमिकल स्टेट, जो कि डोमिकल स्टेट यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। और इसमें दोस्तों आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो आप अगर विकलांग वगैरह हैं तो उनका भी विवरण आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड कॉन्टैक्ट डिटेल जैसे कि ईमेल आईडी डालना है आपको, फिर उसका कैप्चा कोड डालना है, फिर यहाँ पे वैलिडेशन पे क्लिक करना है, ऐसे ही मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, और फिर वैलिडेशन पे आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड ऐसे ही यहाँ पे आपको सारी डिटेल फिलअप करनी है, जैसे कि आपको अपना नाम, सॉरी आपको विलेज है, अगर विलेज गाँव में रहते हैं तो उसका एड्रेस, सिटी में रहते हो तो इसका एड्रेस, ठीक है। पिन कोड नंबर क्या है, अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, ठीक है। और 10th की डिटेल आपको यहाँ देनी है, 12th की आपको यहाँ पे देनी है, ठीक है। एंड उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे दिखेगा आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अगर आपकी कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आप उसका विवरण आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। नहीं है तो आप ऐसे छोड़ देना ब्लैंक की।
एंड उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन खुल जाएगा जो कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने बी बी टेक कर रखा है तो कौन सी ब्रांच के अंदर कर रखा है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे देना है, और कितने मार्क्स में से कितने आए वो देना है, कौन सा बोर्ड है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, कितनी परसेंटेज बनी है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होगी, इस तरह से यहाँ पे फिलअप करना होगा। एंड डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपके पास किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस है तो उसकी आपको डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करनी होगी, यहाँ पे आपको देनी होगी, ठीक है, तो दे सकते हो। एंड इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे एक रिज्यूम को अपलोड करना है, ठीक है, और रिज्यूम को अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो लोकेशन दे रखी है इनकी, वो लोकेशन आप यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, तो लोकेशन आपको यहाँ पे चार लोकेशन है, उनमें चार में से लोकेशन को आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा, तो कौन सी लोकेशन पर आप यहाँ पे फिलअप करना चाहते हो, तो चार लोकेशन है तो चारों को फिलअप कर दीजिए, ठीक है, जो भी होगा उसमें आपको एक सेलेक्ट एक जो लोकेशन है वो आपको दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस फॉर इंटरव्यू सेंटर, तो इंटरव्यू सेंटर के लिए आप दिल्ली है, भुवनेश्वर है, जमशेदपुर है, कोलकाता है, मुंबई है, तो मैं दिल्ली करना चाहता हूँ तो दिल्ली के मैं टिक कर दूंगा, एंड यहाँ पे आई एस कैप्ट पर क्लिक करूंगा, एंड यहाँ पे ऐसे ही रहने देना है इसे, और इसके बाद यहाँ पे आई एस कैप्ट पर क्लिक करूंगा, एंड जो सबमिट का बटन दे रखा ना, इस सबमिट के बटन पे हमें क्लिक कर देना है और फॉर्म को सबमिटेड सक्सेसफुली यहाँ पे हमें कर देना है, ठीक है, तो आपको जो फॉर्म है वो सबमिटेड सक्सेसफुली भर जाएगा, और जो भी आपको सूचित किया जाएगा वो आपको यहाँ पे मेल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा, ठीक है, कब आपका इंटरव्यू होगा, किस तरह का आपका टेक्निकल टेस्ट होगा। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ। जिन लोगों ने भी अभी तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन नहीं किया है, कमेंट करके जल्दी से एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे क्लिक करके जरूर रखना दोस्तों। मिलेंगे जल्दी नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ।